अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सबा और आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। और आपने जैसा कि कल सुना, रोड एक्सीडेंट बहुत शदीद किस्म का हुआ, कलर का हार जाते हुए रावलपिंडी से कलर का हार जाते हुए गाड़ी का। जैसे कि आपने देखा, ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि ड्राइवर जो है बहुत ही रफ किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं, और जिसके मतलब इस वीडियो में साफ क्लियर आ रहा है कि जैसे कि ड्राइवर जाते हुए एक टर्न लिया उन्होंने, और हमें रोड पर वक्तन फवक्तन आगाही दी जा रही होती है कि आप नॉर्मल स्पीड पे रखें, आप इतनी स्पीड पे रखें, और ये सब बातें बहुत ही मैटर करती हैं, जबकि हम लोग जब ड्राइव करते हुए इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते, जिससे कितनी शिद्दत का नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि ड्राइवर ने गाड़ी को टर्न लेते हुए वीडियो में साफ क्लियर नजर आ रहा है कि उसने बहुत ही लाइट वे में रखा है। गाड़ी का भी कुछ ऐसा था, जब उन्होंने टर्न लिया तो गाड़ी कैसे उलट कर बहुत ही खराब हालत में आ गई। अगर गाड़ी भी अच्छी हालत अच्छी कंडीशन में होती तो खुदा ना खास्ता इतने लोगों को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। और अभी देखें, जैसा कि बताया जा रहा है कि 11 लोग जहां बहक हो गए हैं, जहां 11 लोग नहीं, 11 खानदान, एक एक फर्द के पीछे पूरे पूरे खानदान होते हैं जिनकी कफालत होती है, और उनके प्यारे हमारे से जा चुके हैं। और ये मतलब हम चाहते हैं कि हुकूमत को इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और जिनकी हालत तशवीशनाक है उनको भी कोऑपरेट करें ताकि उनका इलाज वगैरह हो जाए। और अगर खुदा ना खास्ता वो कोई मौजू या कुछ इस तरह से हो गए हैं तो उनकी भी कफालत की जाए, जिससे देखिए उनके प्यारे वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी उनकी मदद कर शायद उनके दुखों का सहारा बना जाया जा सके, उनके थोड़े से दुखों के लिए हम अगर कर लें तो उनके दुखों में हम शरीक हो जाएं, तो उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाए। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ड्राइवर को समझ नहीं आई, और ये सॉल्ट एरिया था, सेंसिटिव एरियाज होते हैं ऐसा, उधर बहुत ट्रेंड ड्राइवर की जरूरत होती है। ड्राइवर ने टर्न लिया तो उसने बहुत लाइट वे रफ वे में टर्न लिया, और उससे आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी दूसरी साइड पर जाके उल्टी हो गई और गिर गई, और उसकी वजह से एक फुल गाड़ी को भी नुकसान हो गया, और नेक्स्ट जो एक और फैमिली की गाड़ी गुजर रही थी उनको भी नुकसान हो गया। मालूम नहीं कि अभी कितने लोगों को और खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा है। गाड़ी मालकान ये कह रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गई हैं। अनट्रेन ड्राइवर की तरफ देखा जाए तो उनकी वजह से भी हो सकती है कि अनट्रेन ड्राइवर थे जिन्होंने बार बार इधर सॉल्ट एरिया में ब्रेक्स लगाई, और जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो रोड्स पे हीट अप इतने ज्यादा हो गए, और जब ब्रेक्स ज्यादा लगी तो वो जो आ गए स्लिपिंग मोड पे लैदर टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर अनट्रेन ड्राइवर है तो जिनकी वजह से ही ये नुकसान का अंदाजा हुआ। लेकिन निजी कंपनी वालों को ये ट्रेन ड्राइवर भेजने चाहिए गाड़ियों में ऐसे सफर पर, ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, ठीक है कि खुदा न खास्ता रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जिस तरह के हमें वीडियो के अकॉर्डिंग हमें नजर आ रहा है, या हर समझदार देखने वाले इंसान को ये अंदाजा हो रहा है कि ये जैसे कि ब्रेक लगाई गई है, वो तो अनकंट्रोल्ड पोजिशन में गाड़ी आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, और गाड़ी को नुकसान पहुंचने की वजह से कितने खानदानों के नुकसान पहुंचा, ये तो अफसोसनाक बात है जिसका अजाला नहीं किया जा सकता। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसा कि जिन खानदानों को कफालत करने वाले अफराद थे, और जिनको उनको हुकूमत को चाहिए और उनके साथ थोड़ी सी माली इमदाद करें, क्योंकि उनके जो उनसे बिछड़ गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उनको खुद उनको थोड़ी सी माली इमदाद कर हम उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। तो और जो लोग जख्मी हैं, जो तफ्तीशनाक हालत में हैं, उनका इलाज वगैरह कराया जा सके। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि उनकी थोड़ी सी मदद की जाए, माली कफालत की जाए, ताकि उनके लिए हिम्मत हो। और आइंदा के लिए ये है कि जो भी मालकान कंपनी मालकान हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेन किस्म के ड्राइवर्स और मजबूत किस्म की उनको ट्रेनिंग करवा कर फिर ऐसे एरियाज में भिजवाया जाए, क्योंकि ये एक या दो इंसान की बात नहीं है, और अगर एक या दो इंसान भी हों तो वो किसी खानदान के लिए पूरा खानदान होते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, और आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।